नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी पेपर अंक की शिफ्टों में लगा हुआ है एसएससी सीजीएल का, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आज के इस वीडियो में कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 1961 से अर्जुन पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। 1961 इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें तो यहाँ पे करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर्स से देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें तो एक लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ ही रहा है, और आज भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, तो आपको बता दें हरियाणा इसका राइट आंसर था। स्वांग जो है हरियाणा राज्य का एक काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था, हरियाणा था। अगला क्वेश्चन है कि तम्बाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था भूटान। भूटान जो है ये तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। राइट आंसर क्या था, भूटान यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। और तंबाकू भारत में जो है तंबाकू का आगमन, तंबाकू की शुरुआत भारत में किसने की थी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है सीजीएल एग्जामों में। तंबाकू का जो है भारत में उपयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बता दें आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर था सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, सही उत्तर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का जो निर्माण है ये हुआ था, 1914 इसका राइट आंसर था। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये आपको बता दें ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप लोगों ने लूसेंट पढ़ी है तो आप लोगों को आराम से ये हाईलाइटेड दिखा होगा, क्योंकि जो इसमें लूसेंट में दिए गए हैं जितने भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड हैं वहाँ पर, ठीक है, पिंक से। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं, तो एशिया महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, सही उत्तर था एशिया। मध्य प्रदेश की जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ये भी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा उसमें लूसेंट में, ये भी काफ़ी ज़्यादा ये जो आप लोगों का हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। तो देवास इसका सही उत्तर था, देवास यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आप लोग लूसेंट पढ़ के गए हैं तो आप लोग आराम से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है आपकी देवास में है, देवास इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो जो सेबी होता है सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है, सेबी यहाँ पे राइट आंसर था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की जो स्थापना ये कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर था 1992 में। 1992 ईस्वी में जो है सेबी की स्थापना की गई थी, 1992 इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 280 यहाँ पे राइट आंसर था, सही उत्तर था। सिस्मोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर था। सिस्मोग्राफी का प्रयोग जो है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है, सिस्मोग्राफी को। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर था। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह जो था वो था लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर एक था, ठीक है, पत्तन नगर को हम लोग जो है बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, तो लोथल यहाँ पे राइट आंसर था, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो आपको बताते हैं न्याय दर्शन को जो है गौतम ने प्रचारित किया था,
नया दर्शन को जो है गौतम के द्वारा प्रचारित किया गया था। गौतम यहाँ पे राइट आंसर था, सही उत्तर था गौतम। अगला क्वेश्चन था अक्षांश का एक लगभग कितने के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर था 111 किलोमीटर। अक्षांश का एक लगभग जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 111 किलोमीटर, यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष जो है 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई यहाँ पे सही उत्तर।